आप सभी भक्तों का पुनर्वार स्वागत है आज का प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। तो अभी तक हम चर्चा करने आ रहे थे स्कंद दो अध्याय छह श्लोक संख्या छह में, हम लास्ट श्लोक में देखें कि हम जीव कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उसको समझ लेना चाहिए कि इसका जो कितना भी शक्तिशाली हो उसको समझ लेना चाहिए कि वो कभी पूर्ण नहीं होता है और कभी स्वतंत्र भी नहीं है जीव। क्योंकि ब्रह्मा और शिव भी वो भी स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जीवों में सबसे हाईएस्ट जो है ब्रह्मा जी, वो भी स्वतंत्र नहीं है। और शिव जी उस तो जीव तत्व से अलग है, शिव तत्व है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। तो जीव को ये समझ लेना चाहिए वो कभी स्वतंत्र नहीं है और कभी पूर्ण भी नहीं है। और उसके पास जो भी शक्ति है वो शक्ति का उद्गम, उसका सोर्स क्या, कौन है ना, भगवान है। वो स्वीकार कर लेना चाहिए उसको, जीव को, भगवान से सब कुछ आता है। सभी शक्ति जो भी उसको है उसके पास, वो सभी भगवान से आता है। ये छह नंबर श्लोक में उसके ऊपर चर्चा हुआ था। उसमें बोलते हैं कि जैसे एक पिता भगवान हमारे पिता हैं, हम और उनका संतान है। और एक पुत्र को अपने पिता का संरक्षण में रहना चाहिए और उसको उसके ही अंडर में रह के सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसको मान लेना चाहिए सभी कुछ उनसे ही आया है और उनको वो सपोर्ट कर लेना चाहिए, उनका ही सेवा करना चाहिए। ये छह नंबर श्लोक में हम देखें। तो ये सात नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि विक्रमो भूर भुवस्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्व काम वरस्यापि हरेः शरणास्पदम्। ये श्लोक में तात्पर्य में अनुवाद में बता रहे हैं कि भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोक एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं, उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। इस श्लोक को अगर हम इस श्लोक का एसेंस अगर देखेंगे, उसको अगर पूरा निचोड़ देखेंगे, श्लोक में यह बताया गया है कि कैसे भगवान का चरण कमल का शरण लिया जाए और भगवान का चरण कमल कैसे हमारे लिए हमारा जो प्रयोजन है, और भगवान का चरण कमल का कैसे शरण लिया जाए और सबर चरण कमल का शरण लेना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, और चरण कमल का शरण लेंगे तो ही हमको सब कुछ मिलेगा, हमको जो कुछ चाहिए सब भगवान प्रदान करेंगे। ये श्लोक का निचोड़ है। प्रभुपाद जी इस श्लोक का तात्पर्य में जैसे कि माँ बच्चों को चबाते हुए, क्योंकि बच्चा हजम नहीं कर पाती है सब कुछ, तो माँ क्या करती है, वो चबा के कुछ का जो खाद्य ये को चबा के उसको बच्चों को देती है कि वो उसको इजीली हजम कर सके खा के। ऐसे ही प्रभुपाद जी श्लोक का निचोड़ ऐसे दिए हैं कि घुमा फिरा के भगवान का चरण कमल, आप समझ लीजिए भगवान का चरण कमल का ही इसमें वर्णन कर दिया गया है। तो हम अभी जो आधा घंटा 45 मिनट हम खाली भगवान का चरण कमल के ऊपर कंसेंट्रेट करेंगे, भगवान का चरण कमल क्या है उसका शरण लेंगे तो हमको क्या फायदा है, और अगर चरण कमल का शरण नहीं लेंगे, दूसरा किसी का शरण लेंगे तो हमारा क्या नुकसान है और हमारा कर्तव्य क्या है, हम उसको ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो जिस श्लोक का जो विक्रम हो मतलब भगवान का अगले चरण, भगवान का चरण, तो हम देखेंगे भगवान का चरण जो है आप सब जानते हैं मुनि ऋषि लोग कितना हजारों साल तक तपस्या करते हैं केवल भगवान का चरण कमल का ध्यान करते हैं, भगवान को चरण कमल का अपने हृदय में देखते हैं और ध्यान करते हैं भगवान का चरण कमल को प्राप्त करने के लिए, इतना हजारों लाखों साल से तपस्या करते थे। और हमारा जो प्रयोजन संबंध अभिधेय और प्रयोजन जो है हमारा श्रेयस जो कहा जाता है, श्रेयस और प्रेयस, श्रेयस जो है हमारे लिए अच्छा, जो हमारे लिए अच्छा है, हमारा प्रयोजन क्या है ना, भगवान का चरण कमल का प्राप्त करना, भगवान का चरण कमल को प्राप्त करना हमारा श्रेय है। तो हम उसी के लिए सब कुछ, ये जो भक्ति,
ये जो कुछ हम साधना कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सुबह से 3 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक जो कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कुछ भक्ति के लिए कर रहे हैं, वो उसी के लिए ही कर रहे हैं, उसी भगवान का चरण कमल का प्राप्त करने के लिए। और भगवान का चरण कमल कैसे है ना, हम कभी भी भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो हम स्टार्टिंग जो दर्शन करने का जो सिस्टम है, भगवान का चरण कमल से ही लेके ऊपर तक हमको दर्शन करना चाहिए। स्टार्टिंग भगवान का चरण कमल से ही करना चाहिए। धीरे 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 हम अपना दृष्टि को ऊपर तक लेके जाएंगे, भगवान का फेस तक। तो इसके लिए भगवान का चरण कमल बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान का चरण कमल का वर्णन एक श्लोक में आता है। कपिल देव भगवान अपने माता देवभूति को बता रहे हैं, तीसरा कैंटो 28 नंबर चैप्टर 21 नंबर श्लोक में, कि भगवान का चरण कमल का कैसे उनको चिंतन करना चाहिए। श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक ऐसा है कि संचिकयत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलासन नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिरहत महद दृढ़यांधकारम। संचितयत भगवत चरणारविंदम, संचितयत मतलब चिंतन करना है, भविक भक्त को चिंतन करना है भगवान का चरण कमल को। और वो चरण कमल कैसा है ना, चरण कमल में आप जानते हैं भगवान का चरण कमल में कुछ मार्क है, मार्क्स है, कुछ चिन्ह है भगवान को पहचानने के लिए, समझने के लिए। भगवान का चरण कमल में क्या क्या मार्क है ना, वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह, वज्र थंडरबोल्ट जो इंद्र का वज्र है उसका मार्क है, ध्वज पताका फ्लैग उसका मार्क है, और सरोरुह पद्म फूल का, और लांछनाढ्यम अंकुश, अभी अंकुश का भी है, जैसे हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो अंकुश है ना वो भी, उसका भी मार्क है। भगवान का चरण कमल में ये सब मार्क से। और उत्तुंग रक्त विलासन नख चक्र वाला, और उनका जो नख, उनका जो पैरों का जो नख है उसमें से जो लाइट्स निकलता है, उसमें से जो लाइट, जो किरण निकलती है वो कैसा है ना, चंद्र को भी फेल कर देती है, इतना उनसे तेज निकलता है। उनका चरण कमल का नाखून से वो चंद्र को भी फेल कर देती है। और वो क्या है, मुनियों जो उस नख कमल का, जो नख का जो तेज है उसके ऊपर ध्यान करता है, चरण के ऊपर ध्यान करता है, उसका क्या है महद दृढ़ अंधकार, उसका जो अंधकार है, उसका जो अज्ञानता का अंधकार है वो सब दूर हो जाती है। जब कोई ध्यान करता है भगवान का चरण कमल का तो उसका सब जो अंधकार है सब नष्ट हो जाती है। इसके लिए भगवान का चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। मायावादी लोग क्या करते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो कुछ भी रूप को एक इमेजिन करके उसके ऊपर वो ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं रहता है, वो बराबर ध्यान नहीं लगा पाते। और उसका भगवान का रूप जो शास्त्रों में वर्णित है, ये जो मार्ग है भगवान का चरण कमल का, ये सब शास्त्रों में वर्णन की गई है, तो हम उसके ऊपर ही हम ध्यान करना चाहिए हमको। और भगवान का चरण कितना कितना सॉफ्ट है। एक बार आप जानते होंगे, एक बार पंढरपुर में एक माता जी दर्शन करने के लिए गई थी। हाँ, दर्शन करने हैं गई तो पंढरपुर में क्या होता है, सबको दर्शन करते समय सबको झुकाते हैं भगवान का, विट्ठल जी के चरण कमल का सबको स्पर्श कराते हैं और उसमें प्रणाम कराते हैं। वो पुजारी जो है उसमें ऐसे ही आपको जबरदस्ती सर लगा देता है इधर। तो माता जी गई तो तुरंत उधर दर्शन भी थोड़ी समय, खाली जस्ट प्रणाम करो और भगा देते हैं। वो माता जी चरण को स्पर्श की और आगे चली गई। तो फिर उसको सोचने लगी कि मैंने तो सुना था भगवान का चरण कमल जो है माखन जैसा इतना सॉफ्ट है, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला। तो फिर एक बार वो और एक बार लाइन में लगी फिर आई। जब वो भगवान का चरण कमल में हाथ लगाई
तब वो अपना उंगली जो है वो धस गई अपने भगवान का चरण कमल में। हाँ उसको पता चला रे मैंने क्या कर दिया भगवान का, मैंने डाउट किया इसके ऊपर। क्योंकि भगवान जानते हैं भक्तों का क्या भाव है और भगवान का चरण कमल वैसे भी बहुत सख्त है। तो इसके लिए भगवान का चरण कमल का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। और भगवान का चरण कमल में शरण लेने के लिए गोविंद दास वैष्णव भजन में बोलते हैं कि भजो हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद रे, कि मैं उस अभय चरणार बिंद का मैं भजन करता हूँ जो अभय प्रदान करते हैं। जो भगवान चरण कमल का मैं भजन करता हूँ वो अभय प्रदान करते हैं भक्तों को, क्योंकि भक्त भक्तों का कभी भय नहीं रहता है। जो भौतिकवादी लोग है वो लोगों का भय रहता है कि आगे क्या होगा, जो भोग करता है उसको रोग का भय है, हाँ जो मृत्यु का भय है उनको, और आगे क्या होगा भविष्य का भय है, हाँ कि क्या होगा, क्योंकि उनका पास कोई किसी के ऊपर वो भरोसा नहीं करते हैं और खुद अपना जिम्मेदारी लेते हैं, खुद अपना जो कर्तव्य का फल बोलते हैं कि मेरे लिए मेरे वजह से ये सब हुआ। लेकिन भक्त क्या चाहता है, भक्त क्या करता है ना, सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है ना। इसके लिए भक्त जो है वो निर्भय रहता है, कभी किसी चीज का भय नहीं रहता है, मृत्यु का भय ना कोई किसी चीज का भय, क्योंकि ये सब कुछ भगवान के हाथ में थमा दिया है। तो उसका डोरी जो है भगवान के हाथ में दे दिया है, भगवान जैसे घुमाएंगे वो वैसे ही घुमाएगा। इसके लिए भक्त जो है वो हमेशा अभय जो निर्भय रहता है। जैसे ही अगर हम भगवान के चरण कमल में शरण लेंगे तो हमारा क्या क्या फायदा है। इसके ऊपर एक श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, दसवां स्कंद का 14 नंबर चैप्टर 58 नंबर श्लोक में, कि समस्ता ये पद पल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुधीर वस्त्र पदम परम पदम पदम यद विपदां नतेषां। देखिए समस्ता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम, जो भगवान का चरण कमल में शरण लेता है, समझता है पद पल्लव प्लवम, और उनका चरण कमल कैसा है ना, पल्लव पल्लव मतलब जो फूल का जो कड़ी होता है ना, फ्लावर बर्ड्स ऐसा ही, इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है। और चरण कमल को सनातन गोस्वामी बोलते हैं उसी श्लोक का तात्पर्य में, बोलते हैं कि भगवान का चरण कमल जो है वो कल्प वृक्ष की तरह है, डिजायर ट्री कल्प वृक्ष की तरह है, उसका अगर कोई शरण लेता है जो कुछ उसको चाहिए सब कुछ मिल जाता है। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भगवान का चरण कमल का शरण लेता है उसके लिए ये इस संसार में तो विपद ही विपद है, हर स्टेप में विपद है, क्योंकि संसार दावा नाला लीला लोक त्राणा कारण में घना घना, तो संसार हमेशा दुख से भरा हुआ है, क्योंकि संसार दुखालय है भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में, संसार दुख से भरा हुआ है। अगर इस दुख रूपी संसार जो समुन्दर की तरह है, इस समुन्दर को अगर पार करना है तभी हम भगवान का चरण कमल का शरण लेंगे, तभी ये संसार क्या हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा जिसे बच्चा एक बछड़ा का खूर, हाँ जो चिन्ह खूर का चिन्ह जो है जितना छोटा है, कीचड़ में बछड़े का खूर का निशान जो रहता है उसमें पानी रहता है कितना छोटा रहता है, ये भवसागर इतना छोटा हो जाता है। जो भगवान का शरण लेता है उसके लिए ही ये भवसागर इतना छोटा हो जाता है, उसको तर जाने के लिए उसको कितना इजी होता है, क्योंकि इतना छोटा है भवसागर, इतना छोटा हो जाता है उसके सामने, तो उसको ये भवसागर है वो इजीली बहुत सहज से वो भवसागर को पार कर लेता है। इसके लिए ये भक्तों को भगवान का चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए, शरण लेना चाहिए, क्योंकि और आगे दूसरा वार्ड में बोलते हैं कि क्षेम 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 क्षेमस्य शरणस्य क्षेम क्षेम का वार्ड क्या मान, उसका मतलब क्या है ना, भगवत गीता में एक श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यवयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। बोलते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, ये जना परिपासते चिंतन करता है, वो मेरा उपासना करता है, तेषां नित्यवयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका मैं क्या करता हूँ ना, हमेशा उसके पास जो कुछ है उसको
क्या करता हूँ ना, सुरक्षा देता हूँ, और उसके पास जो कुछ नहीं है उसको मैं दिलाता हूँ। क्षेम का जो योग, योग का मतलब है कि दृढ़ता से, उसके दृढ़ता से एकमात्र कामना जो है भगवान का प्राप्त करना, उसके हृदय में दृढ़ता देते हैं, और उसको एकमात्र जो इच्छा है, कामना है भगवान को प्राप्त करना, उस चीज को बढ़ाते हैं, उसके अंदर दृढ़ता को बढ़ाते हैं, जो योग का मतलब है। योग क्षेम भाव्यम, क्षेम का मतलब क्या है ना, कृपामय संरक्षण, संरक्षण कृपा के साथ उसका सब कुछ संरक्षण कराते हैं भगवान। कैसा है ना, कृष्ण भावना भावित होने में सहायक सहायक होते हैं भगवान। भगवान उसको हर तरह का सपोर्ट करते हैं कि कैसे ये भक्ति में टिके टिके रहे, टिके रहे, आगे प्रोसेस में बना रहे और आगे बढ़े। इस बार ऐसे क्षेम का मतलब ये है, उसको सब कुछ पोषण कराते हैं भक्ति में और उसका संरक्षण दिलाते हैं, और उसमें सब कुछ दिलाते हैं, मतलब उसको जो चाहिए सब कुछ दिलाते हैं। आप जानते हैं कि स्टोरी है कि अर्जुन मिश्रा करके एक ब्राह्मण था, वो इस श्लोक को, भगवत गीता का श्लोक को पढ़ा जब, लेकिन वो बहुत गरीब था। इस श्लोक को पढ़ा कि भगवान सबका सबको दिलाते हैं, जो भगवान का भक्ति करता है उसको सब कुछ दिलाते हैं, और जो कुछ उसके पास है उसका संरक्षण देते हैं। तो ये श्लोक को जब पढ़ा तब उसको डाउट लगा, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये शायद भगवान ने गलती से इसको बोल दिए हैं। तो उसके ऊपर एक मार्क कर दिया, लाल पेन में एक मार्क कर दिया श्लोक के नीचे, और वो बाहर चला गया। ब्राह्मण था, कुछ भिक्षा के लिए बाहर चला गया। तभी एक एक बच्चा, एक लड़का, कुछ सब कुछ सामान, सब ग्रोसरी वेजिटेबल सब लेके आया उनके घर पे। घर पे आया तो माता जी घर पे थे, तो नॉक किया दरवाजा, तो माता जी जैसे खोले दरवाजा कि देखे वो लड़का सब लेके आया है, तो बोला कौन दिया ना, ये प्रभु जी ने दिए हैं करके, कौन अर्जुन मिश्रा भेजे हैं करके बोले। तो ये बहुत खुश हो गई माता जी, और उनको बोले कि आप रुको कुछ बना दो खा के जाओ ना, मना कर दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ करके। जैसे वो जा रहे थे तो उनके पीठ में देखे निशान था, जैसे लाइन था, तो ये बोले क्या हुआ, ये कैसे आपके पीठ में इतना लाल वाला निशान। बोलते हैं कि ये जो आपका पति है वो मेरे को मारे हैं पीठे पीठ पे, जो एक लकड़ी से बेत से मारे हैं, जो उसका निशान है। तो बोलते हैं क्यों मारे, तो ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसे मारे हैं मेरे करके, वो चले गए। तो जब अर्जुन मिश्रा आए तो माता जी तो सब कुछ प्रसाद बनाई और आराम से भोग लगाए, भगवान का भोग बना के भोग लगाए, और इंतजार किए। जब अर्जुन मिश्रा आए तो उनको पूछने लगे, आपने इतनी सारा सामान भेजे थे लेकिन उस लड़के को क्यों आपने मारा, इतना उसका पीठ में इतना निशान है। तो अर्जुन मिश्रा बोलता है मैं कौन सा सामान भेजा, मैं तो कुछ भेजा नहीं किसी को, कोई किसी मिला मुलाकात नहीं हुआ मेरा। तो फिर अर्जुन मिश्रा समझ जाता है कि ये भगवान ही सब भेजे हैं, और वो जाके भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे से गलती हो गई है, मैं आपको समझ गया कि आप परीक्षा करते हैं और आप सबका ही भरण पोषण करते हैं, सबको संरक्षण दिलाते हैं, और सबको जो कुछ जिसको जो कुछ चाहिए सब दिलाते हैं। तो ये योगक्षेम भाव्यम, जिसको जो जरूरत है भगवान पूर्ण कराते हैं। बोलते हैं कि नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, भगवान ही सभी, भगवान सभी का कामना को पूर्ण कराते हैं। हम जीव है, भगवान भगवान है भू, हम अणु है भगवान विभु है, और भगवान सभी का भरण पोषण कराते हैं। आप देखते होंगे हाथी, इतना बड़ा हाथी कितना खाता है, वो जंगल में रहता है, वो कहाँ से इतना सब जुटा जुड़ा, मतलब खाने के लिए इतना परिश्रम कहाँ करती है, लेकिन उसको सब कुछ मिल जाता है खाने को, जो चाहिए मिलता है। वो कौन दिलाता है, भगवान ही सबको दिलाते हैं, और वो भक्तों को स्पेशल पोषण कराते हैं, भगवान को भक्तों को स्पेशल
उसके साथ साथ जो है रेसिप्रोकेट है भक्तों के साथ भगवान का स्पेशल रहता है, क्योंकि वो भक्त उनको बहुत प्रिय है। और भक्त आप जान देखेंगे पांडव लोग हमेशा भगवान के ऊपर भगवान के चरण कमल का शरण लेके रहते थे। और जब युद्ध हो रहा था तो पितामह भीष्म शपथ ले लिए हैं कि कल 5 पांडवों को मैं मार दूंगा, बाण 5 निकाल के रख दिए। हाँ, और भगवान कृष्ण को पता चल गया भगवान ये पांडव लोग आराम से रात को सोए हैं। हाँ, बिंदा सोए हैं। भगवान बोलते हैं अरे तुम लोग सोए हो, उधर पितामह भीष्म ने शपथ ले लिया है कि आप लोगों को कल सुबह वो मार देगा। हाँ, आपने इतना निश्चिंत होके सो गए। वो बोलते हैं कि आप है ना, आप हमारा सब कुछ, हम आपके शरण में सब कुछ समर्पित कर दिए हैं, आप है ना, हमका हमारा क्या टेंशन है आप होते हुए। तो ये शरणागति है। शरणागति का जो 6 लक्षण है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गुप्तत्व वर्णन तत्व, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षडविधा शरणागति। अनुकूल्य से संकल्प, जो भगवान का भक्ति में अनुकूल है उसका संकल्प करना चाहिए। प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको वर्जन कर देना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान ही हमारा रक्षा करेंगे ये विश्वास होना चाहिए। गुप्तत्व वर्णन तथा, जो भगवान ही हमारे गार्डियन है, भगवान ही हमारा पिता है, भगवान सब कुछ है हमारा। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, भगवान के चरण कमल में शरण ले लेना, सब कुछ अर्पित कर देना, काय मन वाचा सब कुछ। तो ये 6 विधि है शरणागति का। तो इसके हिसाब ऐसे ही हम भगवान का चरण कमल में शरण लेंगे तो ही भगवान हमारा सब कुछ भरण पोषण करेंगे, भगवान हमारा रक्षा करेंगे। और एक भजन में बोलते हैं कि मानस देह गए जो किछु त्वया पदे अर्पिलु नंद किशोर। भक्त क्या बोलते हैं कि जो मेरा मन है, हृदय है, बाकी है, वाणी है, सब कुछ मैं आपके चरण कमल में अर्पित कर देता हूँ। ये नंद किशोर, मैं आपके चरण कमल में सब कुछ अर्पित ही कर देता हूँ। क्योंकि भगवान ही भगवत गीता बोलते हैं कि माम ये प्रपद्यन्ते माया मितं तरन्ति ते, जो मेरा माया जो है बहुत डेंजर है, बहुत मम माया दुरत्या, माया जो है बहुत खतरनाक है, लेकिन जो मेरे शरण में आता है माम ये प्रपद्यन्ते, वो माया मेतम तरंति थे, वो माया से तर जाता है। क्योंकि माया जो है भगवान का शक्ति है, भगवान का एजेंट है। और जो अपना उनका बॉस को जो पूजा करेगा, भगवान जो प्रार्थना करेगा, तो वो उसका एजेंट उसका कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए भगवान का चरण कमल का हमको शरण लेना चाहिए। एक वृत्रासुर जो चित्रकेतु महाराज, वृत्रासुर का उनको श्राप मिला था, वो वृत्रासुर एक असुर बन गए। हाँ, वो जब इंद्र के साथ जो युद्ध हो रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, इंद्र को बोल रहे हैं कि मुझे मारो करके प्रार्थना कर रहा है। युद्ध भूमि में ही वो भगवान को प्रार्थना कर रहा है, उसका जो चिंतन है भगवान का चिंतन कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? बोलते हैं कि अहम हरे तव पदई कमूलम दासानुदास भवितास्मि भूय मन स्मृतां सुपतेर गुणास्मि गृणाति वक् कर्म करोति काय। बोलते हैं कि अहम हरे तव पदई कमूलम, कि मेरे को मार दो, मेरा जो मृत्यु हो जाएगा, मेरा फिर दूसरा जन्म होगा, कि मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, चरण कमल का चिंतन करता हूँ कि मेरा ऐसा जन्म हो जो, क्योंकि जो भगवान का जो भक्त हो, जो भगवान का चरण कमल का शरण लिया हो, उसका दास का दास मैं बन जाऊं। हाँ, क्योंकि मेरा मन हमेशा आपका चरण कमल का स्मरण करे और आपका भक्ति करे। इसके लिए मैं गृहणति वाक कर्म करोति काय, मेरा मन से वाक्य से और हृदय से मैं आपका प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जन्म ऐसा ही हो जो एक भक्तों का दास का दास बन जाऊं। जिस भक्त ने आपका चरण का शरण लिया है, उसी भक्तों का दास में बन जाऊं। जैसे ये वृत्रासुर भगवान को प्रार्थना करके, भगवान का चरण कमल का शरण लेके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, ऐसा जन्म
उनका हो। और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि नाहम विप्र न च नरपति ना वैश्व ना शूद्र नाहम वर्णी न च गृहपति मनस्तु यतुर्वा किंतु प्रद्युम्न खिल परमानंद पूर्णा मृताब्धय गोपी भर्तु पद कमले और दास दास दासान दास। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो केवल गोपियों का भर्ता जो भगवान कृष्ण है उनका चरण कमल का दास का दास का दास का दास हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो स्वयं भगवान है। इसके लिए हम भगवान का चरण कमल का शरण लेना चाहिए। भगवान भी बोलते हैं कि भगवत गीता में कि सर्वधर्मन परित्यज मामेकम शरणम रज हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ दो, मेरे चरण में शरण ले लो, मैं सब आपका जितना भी पाप है सब कुछ मैं सब कुछ माफ कर दूंगा और मेरे धाम में ले लूंगा। भगवान बोलते हैं कि मेरे ही शरण लो। वो अगर हम किसी देवी देवताओं का शरण लेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि केवल भगवान का ही शरण लेना चाहिए, किसी देवी देवताओं का नहीं। हाँ, देवी देवताओं जो है भगवान का वो अंश है या भगवान का दास है, वो लोग ठीक है, उनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन केवल भगवान जो है हमारा पति है, उनका उनका ही सेवा करना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता नारी का नारी को भगवान उनका पति ही सब कुछ है, उसका ही सेवा करना चाहिए और उसका जो रिलेटिव्स है उनको सम्मान देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, लेकिन उसका पति का ही सेवा वो करना चाहिए। वैसे ही हमारा पति भगवान है, इसके लिए हमको भगवान का ही शरण लेना चाहिए। और वो भी कैसा है ना, व्यवसायित्म का बुद्धि एक पुरुनंदन बहुत सखा अनंत अष्ट बुद्धि और व्यवसाय न, केवल हमारा फोकस भगवान का चरण कमल होना चाहिए, भगवान केवल भगवान ही होना चाहिए। और व्यवसायित्म का बुद्धि जो है, जो हम दूसरा किसी अन्य देवताओं का अगर हम शरण लेंगे, दूसरे देवताओं के प्रति अगर हमारा ये रहेगा तो फिर हम इससे भगवान के प्रति बढ़ नहीं पाए, भगवान का प्रति भक्ति में बढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए केवल भगवान का ही शरण लेना चाहिए, ठीक है। हम कभी कभी देखते हैं कि हम देवी देवताओं को, जैसे कोई बोलेगा कि किसी चीज का अगर हम चालू करते हैं, किसी चीज का उद्घाटन करते हैं, किसी चीज का शुभारंभ करते हैं, उसमें गणेश जी का पूजा होता है, तो फिर गणेश जी को क्यों पूजा करते हैं? तो गणेश जी ठीक है, उसको उनको दिया गया कि शुभ चीज के मतलब जिसका शुभारंभ होता है वो गणेश आय करके शुभारंभ होता है और गणेश जी का पूजा होता है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे उसमें एक आरती जब होता है उनका एक आरती बुलाया जाता है उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि कायेन वाचा मनसे इंद्रियवा बुद्ध्यात्मना अनुसुता स्वभावा करोति यत् सत् सकलं परस्मै नारायणीय नारायणेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसे इंद्रियवा, जो मेरा शरीर से वाणी से और मन से जो कुछ मैं करता हूँ, कायेन वाचा मनसे इंद्रियवा बुद्ध्यात्मना अनुसुता स्वभावा, मेरा बुद्धि से और मेरा स्वभाव से मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना अनुसुत स्वभावा करोति यत् सत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं सब कुछ उसको क्या करता हूँ, नारायण को ही समर्पण कर रहा हूँ। ये हम जब गणेश जी की पूजा करता हूँ करते हैं, आरती करते हैं, इसमें वो मंत्र गाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम नारायण भगवान को ही पूजा करते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि हम गणेश जी का पूजा करें, उसमें भी सब कुछ हम भगवान के लिए करते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं, हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। इसके लिए तो हम क्यों डायरेक्टली भगवान का सेवा ना करें, इसके लिए भगवान का चरण कमल का शरण जो जो लिए हैं। आप देखिए नारद जी बड़े बड़े संत है, राजा है, सब भगवान का चरण कमल का शरण लेते हैं। भगवान का चरण कमल नाव की तरह है कि नौका की तरह है, वो हमको
इस भाव सागर से पार कर देने में वो सक्षम हो सकता है। इसके लिए एक तीसरा तीसरा स्कंद का 5 नंबर अध्याय और 39 नंबर श्लोक में देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान का कि नमामते देव पदार बिंदम प्रपन्न तपो पसमात पात्रम यन्मूल केत यतयो अंजसुरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। बोलते हैं कि नमामते देव पदार बिंदम, देवता लोग बोलते हैं कि हम लोग आपका चरण कमल का वंदन कर रहे हैं। आपका चरण कमल कैसे ना प्रपन्न तापो पसमात पात्रम, कि आपका चरण कमल का शरण लेते ही आपका चरण कमल कैसा है ना तपो पसमा आतपत्रम, आतपत्रम मतलब छत्री अम्ब्रेला, आपका चरण कमल कैसा है ना कि छत्री की तरह है। जैसे छत्री कहाँ पे यूज करते हैं, जब बारिश होता है, बारिश होता है या सूरज की धूप से बचने के लिए हम छत्री का यूज करते हैं, वैसे ही ये जो यन्मूल केता यतयोंज सोरु, ये जो संसार में जो दुख है, संसार तो दुखाला है, संसार में जो दुख रूपी बारिश है उसमें से बचने के लिए आपका जो चरण ये छत्री का तरह का छत्री की तरह काम करते आए। इसके लिए आपका चरण कमल एक छत्री की तरह है, ये दुख रूपी बारिश के से बचने के लिए आपका चरण कमल का हम शरण लेना चाहिए। बोलते कि संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति, संसार का दुख जो है उसको क्या करता है बाहर फेंक देते हैं। ये जो शरण कमल आपका चरण कमल का हम अगर शरण लेंगे, इस संसार का जो दुख है ये सब बाहर फेंक देगा, इस संसार का दुख जो है मिट जाएगा। आपका चरण कमल का ये छत्री के तरह काम करता है। ये देवता लोग ने स्तुति कर रहे हैं भगवान को। तो ये देवताओं देवताओं कितना बड़े पोस्ट हैं उनका, वो भी भक्त हैं भगवान का, वो लोग भगवान का चरण कमल का शरण लेते हैं, तो हम क्यों ना ले। और आप देखोगे भगवान का जो लीला था उसमें एक पुतना नामक एक राक्षस आती है, वो भगवान को जस्ट खाली दूध पिलाने आती है, वो भी उसमें जहर लगा के आती है, लेकिन उसका भाव जो है वो दूध पिलाने का था, माँ का भाव था। इसके लिए भगवान उसको धात्री माँ का पोस्ट दे दिए। भगवान कितना दयालु नहीं है, कितना दयालु है भगवान। एक राक्षस है जो उनको मारने के लिए आई थी उसको अपना माँ का दर्जा दे दिए, तो भगवान कितना दयालु नहीं दयालु है। इसके लिए हम उनका शरण क्यों ना ले। उस श्लोक में बोलते हैं अहो वकीयम स्तनकाल कुटम जिंघा सयापा यदापि असाध्य लेवे गतिम धात्री उचित तत्वन्य कंग व दयालु शरणम ब्रजेम। बोलते हैं कि हम उन भगवान का क्यों ना शरण लिए, शरण क्यों ना ले। जो एक राक्षसी को माँ का दर्जा दे दिया, तो हम लोग अगर भक्ति थोड़ा प्रेम से भगवान का भक्ति करेंगे तो हमारा क्यों ना हमको क्यों ना वो अपने धाम ना ले, हमारा उनका सेवा में क्यों ना लगाए। इसके लिए भगवान का चरण कमल का शरण लेना चाहिए। और बोलते हैं कि देवर्षि भूताप्त नृणांग पितृणांग न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणं शरणं गतो मुकुंदं परिवृत्त कर्तम। बोलते हैं कि अगर कोई भगवान का चरण कमल का मुकुंद, जो मुक्ति दिलाने वाला जो मुकुंद है, उनका अगर हम चरण कमल का शरण लेंगे तो क्या होते हैं कि ना जब ये जो लोन है, जो ऋणी है हम लोग, जब एक बच्चा पैदा होता है वो कितने कितने लोगों के पास ऋणी रहता है, जैसे देवताओं के पास, ऋषियों के पास, क्यों ऋषियों ने सब लिखे हैं जो ये सब वेद शास्त्र ये सब लिखे हैं, देवताओं ने सब कुछ उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे पानी है, सूर्यालोक है, ये सब देवताओं का, उनके ऊपर हम ऋणी हैं क्योंकि हम उनको कोई टैक्स नहीं देते हैं। और हमारे पितृपुरुष है, और जीव है, और बाकी सब जीव जंतु है, हमारे रिलेटिव से सबका ऋणी हो जाता है, ऋणी होके ही जन्म होता है, जब बच्चा जन्म होता है सबका उसके ऊपर ऋण रहता है। लेकिन जब वो भगवान मुकुंद के चरण में संपूर्ण शरणागत हो जाता है, भगवान का भक्ति करता है,
सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित कर देता है, शरणागत हो जाता है, तो वो क्या होता है, ये सब ऋण से मुक्त हो जाता है, सब ऋण से मुक्त हो जाता है। अगर ये इसमें कंडीशन है कि भगवान के चरण में संपूर्ण शरणागति, अनन्य भक्ति अगर कोई करता है तो उसके लिए ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि हम थोड़े से जुड़ गए और भगवान का थोड़ा थोड़ा नाम जप कर रहे हैं या थोड़ा थोड़ा भगवान का भक्ति कर रहे हैं और हम सब कुछ छोड़ देंगे, किसी का कुछ करेंगे नहीं, सब कुछ जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। जो पूरा संपूर्ण शरणागत है भगवान का, तो उसको अगर पिंडदान नहीं करता है या समाज में किसी का कुछ सामाजिक कार्य नहीं करता है तो उसको उसके लिए कुछ गलत नहीं है। लेकिन हम इस मार्ग में इतना आगे नहीं बढ़े हैं, इसके लिए हमको ये सब देख के चलना पड़ेगा, सब कुछ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही वो सब किए हैं, जैसे पिंडदान भी किए हैं अपने पितृपुरुषों के लिए। इसके लिए हमको जब तक हम संपूर्ण शरणागत नहीं हुए हैं भगवान के चरण में, तब तक हमको ये सामाजिक कार्यकलाप करके चलना चाहिए। और बोलते हैं कि सर्व काम, इस श्लोक में अरे क्या है, सर्व काम, भगवान सर्व काम का मतलब क्या है ना, वो सब जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है सब कुछ भगवान दिलाते हैं। अगर भगवान के चरण कमल में हम शरण लेते हैं तो हमको जो कुछ आवश्यक पड़ता है सब कुछ वो दिलाते हैं। हमको बताया गया है कि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरण तीव्रेण भक्ति योग्य ना यजता पुरुषम परम। आपके पास से कुछ भी काम ना हो, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदाहरण, आप मोक्ष की कामना करते हो या बहुत कुछ भौतिक चीजों की आपको कामना, आप कामना कर रहे हैं, तो भी आपको भगवान का भक्ति करना है। तीव्रेण भक्ति योग्य ना यजता पुरुष परम, आपको अगर तीव्रता के साथ अगर भगवान का भक्ति करेंगे आपका सब कुछ फुलफिल हो जाता है। भगवान सबको दिलाते हैं, जिसका मन में जो आशा रहता है सब कुछ दिलाते हैं। इसका हम लोगों को इच्छा किए इसके लिए इस संसार में आना पड़ा, हम भगवान के धाम में भगवान का सेवा कर रहे थे, हमारा मन में आया कि हम स्वतंत्र थोड़ा भोग करें, तभी भगवान ने उस समय ग्रांट दे दिए कि पर जाओ आपके लिए मैं संसार दुनिया बना देता हूँ, भौतिक दुनिया, आप जाओ उधर भोग करो, जब आप उसमें से उब जाओगे तब मेरी याद आएगी, तब फिर मेरे धाम आ जाना, मैं तो वेलकम करने के लिए खड़ा हूँ, आपको आपका वेट कर रहा हूँ, कब मेरे धाम आओगे। वो कोई एक आचार्य बोलते हैं कि भगवान तो वैकुंठ धाम के बाहर खड़े रहते हैं ऐसे हार लेके, कब मेरा भक्त मेरे धाम रिटर्न आए उसको मैं वेलकम करूँ, स्वागत करूँ। भगवान कितना दयालु है, वो कभी नहीं चाहते कि जीव इस संसार में भटकता रहे, वो तो खाली जैसे कि पुत्र चाहता है कि मैं जब जिद करता है कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, तो पिता क्या करते हैं, ठीक है समझाते हैं, नहीं समझता है तो फिर चलो ले लो, लेकिन जब वो उसमें उब जाएगा तो फिर वो पिताजी के पास आता है। वैसे ही भगवान किसी को ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते, किसी का जो फ्री विल है तो वो चाहते हैं कि ये भगवान चाहेंगे तो जबरदस्ती करा सकते हैं मेरा भक्ति करो, लेकिन भगवान को वो चीज पसंद नहीं है। प्रेम किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकते, किसी से नहीं, कोई नहीं कर सकते आपसे कि आप मुझे प्रेम करो, नहीं, वो तो अंदर से होता है। इसके लिए बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि जब आपका मन करेगा, जब आप संसार से उग जाओगे तब मेरे धाम आ जाना, मैं ले लूंगा आप मेरे धाम। इसके लिए हम भगवान का चरण कमल का शरण लेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, तभी हम भगवान का धाम जा सकते हैं। और बोलते हैं कि श्लोक में सभी देवी देवता वो तो करते हैं भगवान का चरण कमल का शरण लिए हैं, इस श्लोक में बोलते हैं कि जो हमारा जो परमात्मा है, हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो भी भगवान का शरण लेता है। इस श्लोक में इस चीज में बताया गया इस चीज का कि हमारा जो परमात्मा है हमारे हृदय में वो भी भगवान का शरण लेता है। हम जानते हैं कि भगवान का जो तीन फीचर्स है, वदन्ति ततद् विदस्तत्वम् यज्ञानवद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। भगवान का जो तीन फीचर्स है, भगवान का तीन प्रकार का लोग
जो भगवान को तीन प्रकार से जानते हैं, जैसे कोई भगवान को ब्रह्म जो जो ज्योति जो ब्रह्म ज्योति निकलता है उसको परम सत्य मानते हैं कुछ लोग, कुछ लोग जो परमात्मा है उसको मानते हैं परम सत्य, और कुछ लोग जो भक्त है वो भगवान को साकार रूप में भगवान का पूजा करते हैं, भगवान को साकार रूप में मानता है। और ये जो है पर जो ब्रह्म ज्योति, ये जो तीसरा कैटेगरी का है, मतलब थोड़ा लोअर कैटेगरी का है, जो लोग है उनको परम सत्य मानते हैं, और थोड़ा ऊपर जो है वो परमात्मा को मानते हैं, और जो भक्त है वो सबसे पहला नंबर है वो भगवान को साकार रूप में, हाँ भगवान को मानते हैं। तो ये जो परमात्मा है, परमात्मा जो फीचर है वो भी भगवान से ही आता है और भगवान का ही शरण लेता है, ये श्लोक में बताया जाता है। इसके लिए हम जो जो मूल है, हाँ जो सुप्रीम है, तो उनका हम चरण, उनका चरण कमल का हमको शरण लेना चाहिए। ये मायावादी लोग क्या करते हैं कि परम ब्रह्म जो ब्रह्म ज्योति उसका ध्यान करते हैं, उसके शरण में जाते हैं। हाँ वो क्या करते हैं, इसके लिए वो फंस जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाते, वो फिर रिटर्न आते हैं कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद उनको आना पड़ता है। इसके लिए हम जो भगवान का रूप है, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह जो रूप है, हाँ उनका ये शास्त्रों में प्रमाण है, शास्त्रों में बताया जाता है उनका शरीर कैसा है, चिन्मय है, उनका चरण कमल क्या है, कैसा है, हाँ ये जो विराट स्वरूप का ये जो वर्णन की जा रही है इधर, हाँ भगवान का चरण कमल का उसमें बताया जाता है कि भगवान चरण कमल कैसा है, उसमें क्या क्या मार्ग है, सब कुछ हाँ छोटी छोटी बात भी बताई जा रही है इसमें। तो हम ये सब को समझ के भगवान का चरण कमल का शरण लेना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग है वो भगवान का चरण कमल का शरण लेता है। ये लोग क्या करते हैं, जो मायावादी लोग क्या करते हैं, ये इसमें ही फंस जाते हैं ब्रह्म, ये प्रोसेस जो है ये बहुत कष्टदायक है। क्लेशो देखो तरसते साम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुख देहावद्भीर अभाप्यते, ये इस प्रोसेस में बहुत कठिन है, कोई इजीली भगवान का प्राप्त नहीं कर सकता है उस प्रोसेस में। हमारे पास ये सब कुछ दिया गया है, तो हम क्यों ना भगवान का चरण कमल का शरण ले, शरण लेके भगवान को भक्ति करें और सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित हो जाए, हम खुद को समर्पित कर दें, समर्पित करके और बुलाया जाए गया कि जो भगवान का चरण कमल में समर्पित हो जाता है उसी को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का ये लक्षण है, सब कुछ भगवान के चरण कमल पे समर्पित कर देना चाहिए, खुद को भी समर्पित कर देना चाहिए, उसमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को, शरणागत भक्त को हमेशा भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, संरक्षण देते हैं और उसको अपने धाम लेके जाते हैं। हरे कृष्णा। समाज का समय हो गया है। श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त वृंद का जय, हरे कृष्णा। कुछ प्रभु जी कुछ छूट गया तो बता दीजिए प्रभु जी। बहुत अच्छा आप बताया, यदि समय हो तो करीब, हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ। हरे कृष्णा। मैं कह यदि थोड़ा समय है तो बताइए जो भगवान के चरणों पे चिन्ह है, हाँ। ये किस चीज के सूचक हैं? क्या क्या बताऊं? हाँ बताइए ना, और किस चीज का सूचक है? ये श्लोक एक है 3:28-21 में, ये बोलते हैं कि संचित यद भगवतस चरणार बिंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तंग रक्त विलासन नखचक्र वाला ज्योत्सना भी राहत महद दृढ़यंधकार। बोलते हैं कि श्लोक में निकल देता है। बोलते हैं कि द डिवोटी शुड फर्स्ट कंसेंट्रेट हिज माइंड ऑन द लॉर्ड लोटस फीट व्हिच आर एडॉर्न्ड विद द मार्क्स ऑफ ए थंडरबोल्ट। पहला थंडरबोल्ट ये गोड है, अंकुश जो बोलते हैं हाथी का, ये कंट्रोल करते हैं ना, ये बैनर फ्लैग एंड ए लोटस और एक पद्म, ये इतना ही, और ये चरण का वो सोल वाला वो जो नीचे जो चरण का, ये इतना ही श्लोक में बताया जाएगा। और दूसरा तो
और दूसरा तो है उसमें सब और कुछ अलग है, मतलब दूसरा चीज है इसमें, लेकिन ये पांच चार पांच छह चीज बताया है इसमें कि उनका चरण कमल का नाखून से जो ज्योति निकलती है वो चंद्र को भी फेल कर देता है, ऐसा उसमें बता रहे हैं। तो इसके लिए ये चरण कमल का इसके ऊपर ये बता रहे हैं श्लोक। और कुछ बताएंगे फिर? और किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, और किसी भक्त को प्रश्न है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। शशि माता जी ने हाथ खड़ा किया। कौन? शशि माता जी, अनम्यूट कीजिए उनको। एक मिनट, शशि माता जी, क्या नाम है? शशि माता जी लिखा है क्या? हाँ, उदयपुर शशि, देखिए। एक मिनट, या मुझे आप कोर्स बनाइए, मैं करता हूँ। एक मिनट, दिख नहीं रहा है। हाँ आया, हाँ करिए माता जी, अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट करिए। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा था भगवान के चरणों पे शरण